प्लस वन क्लास बेटे, हमने सेवन्थ लेसन शुरू किया हुआ है। लेसन का नाम है बेटा मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। देखें बेटा, इसमें हमने जो मंत्री परिषद का टॉपिक है वो कर लिया था। उसमें मैंने आपको बता दिया था कि मंत्री परिषद कैसे उसका नियुक्ति की जाती है, मंत्री कैसे चुने जाते हैं, और इसके अलावा उसके क्या काम हैं, उसकी विशेषताएँ क्या है, ये हम सब कर चुके हैं। अब है इसी लेसन का टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। आज है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति या उसकी रचना पर नोट लिखें। अपॉइंटमेंट कैसे होती है प्राइम मिनिस्टर की? बेटा, हमारे देश में जो प्रधानमंत्री की स्थिति है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो देश का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि भारत में संसदीय सरकार है। संसदीय सरकार में दो तरह की कार्यपालिका होती है बेटा, एक होती है नाममात्र और दूसरी होती है वास्तविक। नाममात्र कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है जिसके नाम पर ही शासन चलाया जाता है, सिर्फ नाम पर, काम वो कुछ नहीं करते। लेकिन जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो वास्तव में देश का काम करती है, और वो हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद है, नाममात्र राष्ट्रपति है। तो मंत्रिपरिषद का नेता होता है प्रधानमंत्री, इसलिए देश का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख फिर कौन हुआ? प्रधानमंत्री, हमारा प्राइम मिनिस्टर। ये ना केवल वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है बेटा, ये लोकप्रिय नेता होता है, क्योंकि जनता खुद चुनती है इसे, सरकार का नेता होता है, और इसके अलावा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता भी होता है। और अगर राष्ट्र अपने नेता के रूप में मानता है तो वो प्रधानमंत्री को मानता है, राष्ट्रपति को नहीं। देखें बेटे, संविधान की धारा जो है 75 आर्टिकल 75 में क्या लिखा है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपनी मर्जी से नहीं करता, वो उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है जिस व्यक्ति को, मतलब जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता ही हमारा प्रधानमंत्री होता है। याद रखना बेटे, लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं लोकसभा में, उसी दल का नेता हमारा प्राइम मिनिस्टर बनता है। हाँ, साइन जरूर राष्ट्रपति को करने होते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि वो उसकी नियुक्ति अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो 2014 में बने थे और दोबारा से 2019 में चुने गए हैं, और अभी भी यही काम कर रहे हैं। अब है हमारा कि प्रधानमंत्री जो बनता है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं ज़रूरी होती है। सबसे पहले बेटा, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसमें वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए ज़रूरी होती हैं। यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, और मान लो ऐसा व्यक्ति हमारा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो उसे प्राइम मिनिस्टर बनने के 6 महीने के अंदर अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी जरूरी होती है। मतलब मान लो कोई ऐसा व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन गया जो लोकसभा का भी सदस्य नहीं है, राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने का समय दिया जाता है, किसी भी सदन का सदस्य बनना उसके लिए ज़रूरी होता है। अगर वो 6 महीने के अंदर किसी सदन का सदस्य नहीं बन पाता, तो ऐसा व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बना नहीं रह सकता। नेक्स्ट है बेटे कार्यकाल। कार्यकाल मतलब उसका कार्यकाल कितना है। वैसे तो जो प्राइम मिनिस्टर है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन फिर भी जब तक प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहता है, तब तक ही वो अपने पद पर बना रह सकता है। जब तक मतलब लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त रहता है, अगर लोकसभा उसके मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव पास कर दे, तो फिर प्राइम मिनिस्टर को त्यागपत्र देना पड़ता है, चाहे उसे 2 वर्ष हुए हों, चाहे 1 वर्ष क्यों ना हुआ हो। ठीक है, तो मतलब प्राइम मिनिस्टर तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहता है। नेक्स्ट है उसके वेतन और भत्ते। ये समय समय पर बेटे संसद द्वारा निश्चित किए जाते हैं, कोई फिक्स नहीं होता कि उसे इतनी ही सैलरी मिलनी है। इसके अलावा उसे चिकित्सा संबंधी सुविधाएं, रहने के लिए बंगला, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यवाहक प्रधानमंत्री, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। भारत का संविधान जो है केंद्र में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना राज्य प्रबंध चलाने की आज्ञा नहीं देता है। लेकिन जब मंत्रिपरिषद लोकसभा में बहुमत का विश्वास खो देती है, मतलब जब मंत्रिपरिषद के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया,
तो राष्ट्रपति क्या करेगा, ऐसे मंत्रिपरिषद को अल्टरनेट प्रबंध किए जाने तक अपने पद पर बने रहने का और राज्य प्रबंध चलाने के लिए कहता है। मतलब जब तक नया मंत्रिपरिषद नहीं बनता, जब तक नया प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना जाता, तब तक वो उसी प्राइम मिनिस्टर को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करने के लिए कहता है। तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर होगा, फिर उसे वही सारी मतलब शक्तियाँ नहीं मिलेंगी जो प्राइम मिनिस्टर की होती है। मतलब वो तो सिर्फ काम चलाओ प्राइम मिनिस्टर रह जाता है, कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर को हम काम चलाओ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, मतलब प्रधानमंत्री। वो इसलिए क्योंकि उस समय कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री की ज़रूरत होती है, तो नए चुनाव होंगे, नया प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा, उसमें टाइम लगता है। तो जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक राष्ट्रपति उसी प्राइम मिनिस्टर को काम करने के लिए कहता है। तो ये था बेटे प्रधानमंत्री की रचना।